जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अमर क्षत्रिय अमर क्षत्र मैं एडवोकेट जसमीत कौर पांडे, जम्मू की एक सिख लीडर। आज हमने यहाँ पर जो है जो जेएंडके का जो निशान था, जो जेएंडके का झंडा था, उसका अंतिम संस्कार किया है। क्योंकि इस झंडे का जो था 5 अगस्त 2019 को ये झंडा तो मर गया था, लेकिन इसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसकी आत्मा जो है वो कभी किसी के बीच में चली जाती थी, कभी किसी के बीच में चली जाती थी। आज हमने इसका अंतिम संस्कार किया है और गुपकार लॉबी को ये बता दिया है कि हम जो जम्मू के लोग हैं, वह कश्मीर के भी लोग हैं, जो हम एक विधान, एक निशान और एक संविधान पे जो है विश्वास रखने वाले हैं। और मैं उनको ये इस मंच से ये चैलेंज करती हूँ, खासकर महबूबा जी को, कि हम जो है जम्मू की जनता उनको जम्मू में आने के लिए एयरपोर्ट से नीचे उतरने नहीं देंगी। ये हमारा एक चैलेंज है, क्योंकि हम जो है महिला वर्ग जो है पिछले 73 सालों से जो है हमारी डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे इक्वल राइट्स जो है वुमेन के, हम भी उनको जो है खुली तरह से जिए। हमारे वाल्मीकि समाज के भाई, हमारे गोरखा समाज, हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो है इससे बहुत खुश हैं, जो 370 की अबॉगेशन हुई है। तो हम जो है जम्मू कश्मीर जो है भारत का ताज है, तो जम्मू कश्मीर को जो है हम अब इसको चोट नहीं लगने देंगे गुपकार लॉबी से। तो आज का ये जो मेरा यहाँ इस मंच से जो लास्ट वार्निंग है हमारे कश्मीर की लीडरशिप को, कि हम जो है अब ज़्यादातर जो है हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहेंगे। थैंक यू। आज आपको इस दिवस की मीडिया को और लोगों को, रियासत के लोगों को बड़ी बड़ी मुबारक है कि 72 साल के बाद हमारी एस्पायरेशंस, हमारी डिमांड, हमारा जो ध्येय था कि महाराज हरि सिंह जी ने इलाहाक अटूट किया है भारतवर्ष के साथ, 72 साल के बाद उसकी छुट्टी दे दी, रिकग्नाइज किया स्टेट गवर्नमेंट ने, और उसकी छुट्टी जो है आज हम मना रहे हैं। इसमें से ये इलाहाक जो है हमारा कई कारणों से लेट हुआ। कारण ये था कि महाराज हरि सिंह नहीं चाहते थे कि सारा रास्ता, राशन पानी सारा बंद हो गया था, उड़ी के रास्ते जो था उन्होंने 4 दिन स्टैंड स्टिल रहा 4 दिन के लिए, तब तक उसने अपॉर्चुनिस्ट ही पाकिस्तान के साथ जो हमारा तो स्टैंड स्टिल था, वो बिल्कुल भी ऐसा कोई अटैक नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। लेकिन है कि वहाँ पर अटैक किया 6,000 कबायली और उसके साथ फौज जो उनकी है अटैक किया 22-23-24 को। ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह ने उड़ी में 4 दिन इनको कबायलियों को रोके रखा, उड़ाया, उसके बाद जा करके वो कबायली उनको ख़त्म करके उनको वहाँ पर हमला, जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पर गोली से निशाना किया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए वहाँ पर। बड़ा अजीब विडंबना है, लोगों को क्या सिखाते हैं। कश्मीरी कहते हैं खबरदार होशियार, हमारे पास डंडा है, हैं, और हम दुश्मन खबरदार होशियार भाग जाओ, जहाँ पर डंडे से भागते वो बंदूकें लेकर के आए थे, डंडे से भागते कश्मीरियों से। ये क्या लोगों को भड़का करके कहते हैं, ये फौज ने ही बचाया उनको, रियासत को। उसके बाद नेहरू ने लेट किया 4 दिन, नेहरू ने लेट किया कि इस कारण कि शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। महाराजा इतने देशभक्त थे, उन्होंने 1931 में इंग्लैंड में राजाओं महाराजाओं के जो वहाँ पर यहाँ पर राजवाड़े इकट्ठे हुए थे, कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहा था मेरा रियासत जो है ये पहली रियासत होगी जो भारतवर्ष के साथ इलाक करेगी, उन्होंने वो रखा। और बाद में भी लिख करके दिए, जो कि नेहरू ने कहा वो देते गए। क्यों? वो चाहते थे कि अगर आप पाकिस्तान के साथ गए तो तबाह हो जाएंगे यहाँ पर ये लोग, इसलिए उन्होंने इलाक किया और लिख करके दिया 27 को फौज आई। गुरुआए आदमी नेहरू ने, सोमनाथ जी हमारे शहीद हुए वहाँ पर इस तरीके से कबायलियों को दूर किया। लेकिन फिर भी कबायली जब भाग रहे थे, उनके पीछे हमारी इंडियन आर्मी लगी हुई थी, लेकिन के अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर सेंटर से आर्डर आ गया कि बिल्कुल माउंटबेटन का आके स्टॉप कर दीजिए। ऐसे ऐसे देश द्रोही वहाँ पर थे होते, और हम जो है इसी कारण से मना रहे हैं कि लोगों को अवगत कराया जाए कि क्या एक्चुअली हुआ है, कैसे ये 26 का इलाक हुआ है इसमें से। इसलिए उसी दिन को मनाने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, क्या रायपुर सभा के, जम्मू प्रोविंस पीपल फोरम के, मैं रायपुर सभा का प्रेसिडेंट होने के नाते और जम्मू प्रोविंस पीपल फोरम का प्रेसिडेंट होने के नाते आज यहीं पर ये इसी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बैठे हैं इसी गर्ज के लिए, मना रहे हैं, लोगों को भी एकत्रित कर रहे हैं, आओ यहाँ पर इकट्ठे होकर मिलाओ, ताकि बता दें, यूनिटी एक बता दें, हमें खुशी बढ़ाओ
और ये पहला डे है, बड़ी खुशी मना रहे हैं हम और सबका आपकी खुशी बनाइए और इसी गर्ज के लिए आपको सबको मुबारक देते हुए पे अपना